Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today we are going to discuss about re-examination of IBPS or RRB office assistant या clerk. तो सबसे पहले हम reasoning section की बात कर लें तो reasoning section में क्या क्या आया था. तो reasoning section में 4 puzzles थी जिसमें से एक डेट बेस थी, एक linear बेस थी जिसमें सब facing north थे, एक box बेस थी और एक circle बेस थी, है ना, जिसमें 7 जो वो पर्सन दिए हुए थे और बॉक्स बेस थी उसमें भी 7 पर्सन थे, है ना. और जो डेट बेस थी उसमें 7 और 24 दिया हुआ था जिसमें 4 मंथ थे, जनवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर. 5 सिलोजिस में थे, 5 इनक्लूटी थी और 5 कोडिंग डिकोडिंग. 3 डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस थे और 3 अल्फा नुमेरिक, बाकी मिशेलनियस थे, है ना. और अगर हम इसके गुड अटेम्प्ट की बात करें रीजनिंग की तो जिन भी कैंडिडेट्स ने 38+ करे वो गुड अटेम्प्ट है क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था. उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो 15 सिंप्लीफिकेशन था 14 से 15 था आई थिंक, है ना. उसके बाद मिसिंग सीरीज थी 5, 6 जो बार चार्ट के क्वेश्चन थे, उसके बाद कैसलेट था 4, बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे सारे. बोट स्ट्रीम एस आई जे काफ़ी ईजी थे तो इसमें भी 36+ इज़ अ गुड अटैम्प्ट. टोटल गुड अटैम्प्ट की बात करें हम तो 74+ इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट, है ना. जिन भी कैंडिडेट ने 74+ अटैम्प्ट करा इट इज़ अ गुड अटैम्प्ट. और सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी थे इसमें, मिसिंग सीरीज भी काफ़ी ईजी थी, बार केस चार्ट भी ईजी था, केसलेट भी ईजी था. अर्थमेटिक में 1-2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टाइम टेकिंग थे. और रीजनिंग में भी 3 जो फजल पूछी थी वो काफ़ी ईजी थी चारों की चारों. उसके बाद सिलोजिज्म जो थोड़ा से एक या दो जो सिलोजिज्म में थे थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे. उसके बाद इनिक्लूटी ईजी थी, सिंगल लाइनर थी, कोडिंग डिकोडिंग भी ईजी थी, डायरेक्शन सेंस भी ईजी था, नुमेरिक भी ईजी था, अल्फा नुमेरिक जो आए थे, और मिसलेनियस भी काफ़ी ईजी थे, है ना. तो 74+ जिनने भी अटैम्प्ट करें तो ये सेफ अटैम्प्ट है ना. स्कोर तो वो 70+ ही रहने वाला है ना. सो जिन भी कैंडिडेट्स का इसके पहले पेपर हो चुका है, जिन्होंने प्रीवियस जो री एग्जामिनेशन होने के पहले पेपर दिया है, तो वो टेंशन ना लें क्योंकि अब इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काम वर्क करेगा क्योंकि उसमें इंटरफेस ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी. इसके अंदर इंटरफेस ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी क्योंकि पहले से ही पता था कि इंटरफेस ऐसा आने वाला है ना. सो ये था कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो. और इसका कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ है वो रेंज रहेगी 68 से लेके 77 के बीच में, है ना. जहाँ पर सीट कम है वहाँ पर 77 तक जा सकता है, जहाँ पर सीट एवरेज है वहाँ पर 68 तो मिनिमम रहने ही वाला है ना, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी था लास्ट ईयर से. So that's all from my side and please do subscribe your own channel Banking Spartan. Thank you.